दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे दिवाली और देव दिवाली के बीच का अंतर और महादेव ने कार्तिकेय जी को दीपावली में दान करने का क्या लाभ बताया ये भी जानेंगे। जानना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। हम सब जानते हैं कि दिवाली का त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण हम ये जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीत कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनकी जीत की खुशी में ये त्योहार मनाया था। अब बात करते हैं देव दीपावली के बारे में, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू महीने के कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मनाई जाती है। देव दिवाली का त्यौहार देवी देवताओं खासकर विष्णु भगवान और शिव जी की आराधना को समर्पित है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार त्रिपुरासुर नाम का राक्षस तीनों लोक में आतंक मचा रखा था। उसके आतंक से देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और त्रिपुरासुर के आतंक के बारे में पूरी बात बताई। देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि इस राक्षस का अंत करना ही आखिरी विकल्प है। सभी देवताओं के निवेदन करने के बाद भगवान शिव उस राक्षस का वध करने का फैसला लेते हैं, वध कर देते हैं। त्रिपुरासुर के अंत के बाद सभी देवता प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव का आभार व्यक्त करने के लिए उनकी नगरी काशी पहुंचते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि देवता गंगा नदी में स्नान करने के लिए भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक वाराणसी के काशी में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी पहुंचने के बाद देवताओं ने माँ गंगा के किनारे दीप प्रज्वलित कर त्रिपुरासुर के अंत की खुशी मनाई। उस समय दीपों के प्रकाश से काशी नगरी पूरी जगत में जगमगा उठी। यही कारण है कि दिवाली को देव दीपावली भी कहा जाता है। आइए अब कार्तिकेय और महादेव से जुड़े संवाद के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के बड़े पुत्र और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने अपने पिता भगवान शिव से पूछा कि दीपावली पर क्या दान करना चाहिए, इस त्योहार पर दीप कब प्रज्वलित करें। इस पर भगवान शिव ने जो कहा उसे जानकर कार्तिकेय अभिभूत हो गए। भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा कि जिसने कार्तिकेय मास में भगवान केशव के समक्ष घी तिल के तेल का दीप प्रज्वलित किया उसने मानो सभी तीर्थ यात्रा कर लिया। कृष्ण पक्ष के 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिकेय कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल तृतीया के बीच जो कुछ भी दान किया जाता है उससे सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान शंकर ने कहा कि इस दौरान जो इंसान किसी ब्राह्मण या किसी गरीब को तिल के बराबर भी सोना देता है वो विष्णु धाम प्राप्त करता है। वहीं 2 चांदी दान करता है उसे चंद्रलोक मिलता है। वहीं इस दौरान जो गाय दान करता है उसे पृथ्वी पे जितने भी फसल हैं सबका दान करने के बराबर का पुण्य मिलता है। दिवाली के 5 दिन तक घर के मंदिर समेत मुख्य स्थानों पर भी घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे दीपावली पर ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर घर के बाहर यमराज के लिए दीप रखना चाहिए जिससे अकाल मृत्यु का नाश होता है। रूप 14 के दिन सुबह जल्दी स्नान करने से नरक नहीं जाना पड़ता है। दीपावली के दिन घर की महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, इससे धन संपत्ति में कमी नहीं होती है। भाई दूज के दिन बहन के घर उनके हाथों से बना भोजन उत्तम माना जाता है। इस वीडियो में आपने तो ये जान लिया कि दिवाली और देव दिवाली के बीच का अंतर क्या है, लेकिन दिवाली से जुड़ी एक और कहानी है मेरे पास बड़ी मजेदार, शायद ही आपने सुना हो। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।